नमस्कार, मैं हूं निधि वर्मा। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी और मैं हाजिर हूं लेकर आपके लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक को चुनौती देने के लिए मनोहर लाल शुरू करेंगे गांव-गांव मोबाइल मेडिकल यूनिट। चंडीगढ़ में पीजी अग्निकांड के बाद प्रशासन ने नई पॉलिसी जारी की। अंबाला में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने स्कूटर पर घूमे आईएएस अधिकारी। अंबाला की साइंस मार्केट में साइंस का सामान बनाने वाली फैक्ट्री हुई भीषण आग के हवाले। मार्च में होली की छुट्टी व हड़ताल के चलते बैंक 8 दिन रहेंगे बंद। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर नया कदम उठाने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को चुनौती देने हरियाणा सरकार मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करेगी। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य को जांचने का काम करेगी। इसके लिए प्रदेश में 47 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू होंगी। बीते दिनों चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में पीजी में आग लगने से 3 बच्चों को जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद से चंडीगढ़ प्रशासन ने पीजी में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी जारी की है, जिसमें अब पीजी मालिकों को फायर लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। अब मालिकों को पीजी में खुद की रिहायश रखनी होगी। अंबाला में नगर निगम कमिश्नर ने अपने ड्राइवर के साथ शहर की सफाई व्यवस्था का दौरा किया। नगर निगम कमिश्नर का यह दौरा पूरे शहर में चर्चा का कारण बन गया, क्योंकि कमिश्नर साहब ने सरकारी गाड़ी छोड़ एक्टिवा पर हेलमेट पहनकर शहर का दौरा किया और सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। शहर का दौरा एक्टिवा पे ही क्यों निकले? देखिए, जो सैनिटेशन की स्थिति देखने के लिए आज जो है एक्टिवा पे हम लोग निकले थे। उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे यहाँ पे कई कॉलोनियाँ हैं जिसमें कई गलियाँ ऐसी भी है जो बहुत नैरो हैं, जिसमें गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। तो उसी चक्कर में कई बार वहाँ से जैसे नालियों की प्रॉब्लम थी, सफाई की प्रॉब्लम थी, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग जो है 2-व्हीलर पर निकले और शहर के जैसे कई कई वार्ड से जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स या शिकायतें आ रही थी उन जगह का हमने दौरा किया। अंबाला की जैन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड नामक साइंस फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी। आग को भड़कता देख एयरफोर्स फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मंगवाई गईं। भीषण आग से लाखों रुपए का साइंस का सामान जलकर राख हो गया। आग में कारणों का पता नहीं चल पाया है। देश में सरकारी बैंकों का कामकाज 8 मार्च से 15 मार्च तक लगातार 8 दिनों के लिए ठप रहेगा। 8 मार्च को रविवार की छुट्टी है, जबकि 9 तथा 10 मार्च को होली की छुट्टी है। 11, 12 तथा 13 मार्च को बैंक कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं 14 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है, जबकि 15 को फिर रविवार है। चलिए अब तक के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे ताजा समाचार लेकर। बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी के साथ। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।